हाय गाइस, आप सभी का इश्क एल एन जी चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट जॉब वैकेंसी के बारे में, जहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि कहां पर वैकेंसी निकली हुई, क्या ऑर्गेनाइजेशन, क्या सैलरी स्केल्स पे है, कैसे आपको अप्लाई करना है। ये इस आज की इस वीडियो में सारा डिस्कस करने वाला हूँ। चलते हैं गाइस स्क्रीन पर। स्क्रीन पर चलने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यह है उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में। यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई हैं स्टाफ नर्स के लिए। तो यदि आप स्टाफ नर्स हेल्थ केयर रिलेटेड से कोई डिप्लोमा डिग्री है तो यहाँ पे आपके लिए वैकेंसी है, क्योंकि यहाँ पे पे स्किल्स आपका जो रहने वाला है वो 44,900 से लेकर 142,400 तक सेवन्थ लेवल का पेरा स्किल रहे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बीएससी नर्सिंग यदि है आपके पास कोई डिग्री है नर्सिंग से रिलेटेड तो आपको यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, जैसे BNM GNM। और यदि कोई डिप्लोमा है तो उसके साथ आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी देना होगा। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 के बीच में एज चाहिए है, जो कि 1 जनवरी 2023 तक कैलकुलेशन किया जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो दिए हैं, आपको मेल लिंक दे दूंगा गाइडलाइंस पूरी हुई वीडियो डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप जाके इसको पहले एक बार रीड करिएगा। दूसरी बात करें यदि पोस्ट की, तो 220 पोस्ट हैं टोटल, अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन है। SC के लिए 46, ST के लिए 4, OBC के लिए 60, EWS के लिए 22, UR के लिए 88। दिव्यांग के लिए कुछ परसेंटेज में रिलैक्सेशन है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है आज के इस जॉब में, यहाँ पे जो फीस है वो थोड़ी सी हाई है। जैसे देखिए, एप्लीकेशन फीस नॉट रिफंडेबल। यदि आप इन जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 2360 रुपये देना होगी आपको। OBC EWS में आते हैं तो 2360 रुपये, और यदि SC ST में आते हैं 1416 रुपये भरना पड़ेंगे। ज़्यादातर हम वैकेंसी जो वो बताते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन ये वैकेंसी है अच्छी है। यदि आप एलिजिबल पैसा इतना फीस भर सकते हैं, इंटरेस्टेड हैं तो भर सकते हैं ये फॉर्म। ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, डेट आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। प्रोसेस ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म्स की ये है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फिलिंग द रिक्वायर्ड डिटेल ऑफ फॉर्म, अपलोडिंग स्कैन डॉक्यूमेंट, पेमेंट ऑफ फीस, देन प्रिंट आउट। यदि आपकी फ़ीस मान के चलिए आपने पूरा फॉर्म भर दिया और फीस नहीं भरी गई तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको ऑनलाइन भरना है, ऑनलाइन कैसे भरना वो भी मैं अभी बता देता हूँ। 20 जनवरी 2023 से ये स्टार्ट हो चुका है, इसकी जो लास्ट डेट है 9 फरवरी 2023 तक है। ठीक है गाइस, ये है पूरी डिटेल, देख लीजिए। और कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आपको जरूर रीड करना होगा, ये आपको गाइडलाइन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये है, ये देखिए, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट 3 घंटे का रहेगा, 180 मिनट का, जिसमें 200 मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे, 600 मार्क्स रहेगा, इंग्लिश हिंदी बोथ लैंग्वेज में रहेगा, 170 मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे नर्सिंग सब्जेक्ट्स रिलेटेड, और 30 मल्टीपल क्वेश्चन जो रहेंगे जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है गाइस, मिनिमम यदि क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 50% फॉर जनरल EWS OBC, 45% फॉर ST SC एंड ST। रेवोल्यूशन टाइटल केसेस कुछ ये दिया है, पूरा सिलेबस कहाँ से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं ये पूरा इन्होंने देख रखा है। बिल्कुल आपको टॉपिक टू टॉपिक पढ़ना है कि इस टॉपिक से रिलेटेड इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने नंबर्स के रहेंगे। देखिए पूरा बिल्कुल बढ़िया इन्होंने दे रखा है। ये देखिए वेबसाइट दे रखी है, यहाँ पे जाके आप रीड कर सकते हैं। ये हो गया पूरा आपका क्वालिफिकेशन, कितनी पोस्ट है सारी जानकारी। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो ये देखिए यहाँ पे ऑनलाइन डेट दे रखी है, 20 से लास्ट डेट दे रखी है। अब यहाँ पे यदि आप क्लिक, और यदि आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा अप्लाई करने के लिए, और क्लिक हेयर टू लॉग इन फॉर रजिस्टर यूजर के लिए। रजिस्टर यूजर के लिए एक ID पासवर्ड मिल गया होगा, तो वो जाके यहाँ से सीधा रजिस्टर ई में अपना यूजर ID पासवर्ड डाल के लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन यदि न्यू यूज़र हैं आप, तो न्यू यूज़र पर आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे और उसके बाद फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये देखिए इन्होंने दे रखा है कि आप कौन से ब्राउजर में ओपन करें, क्या रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड मिलेगा आपको। ये क्लोज कर देता हूँ मैं,
ये देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, आपको पहले रीड करना होगा, उसके बाद आपको फॉर्म भरना होगा। जब आप यहाँ से फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको भी एक आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ से इस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये आपको मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप सीधे लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सीधे वेबसाइट पर आ जाएंगे आप। और ये एक और मेन इसकी वेबसाइट है, यहाँ पे भी इसकी जानकारी, ये देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ नर्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहीं पर पहुँच जाए। ठीक है गाइज, ये थी पूरी कुल मिला की जानकारी। यदि गाइज जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर प्रेस करेगा। ठीक है गाइज, बहुत बहुत धन्यवाद।